21 जुलाई को आजाद समाज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। लाखों की संख्या में पहुंचे लोगों ने जहां चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की निंदा की, तो वहीं मंच पर नेता भी समर्थन देने के लिए पहुंचे। जहां इस प्रदर्शन को चंद्रशेखर की सुरक्षा से जोड़ा गया, लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं की फहरिस्त बता रही थी कि ये 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का शक्ति प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन में मंच पर जहां रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के तमाम सांसद और विधायक पहुंचे। साउथ से भारत राष्ट्र पार्टी के 4 सांसद चंद्रशेखर को समर्थन करने पहुंचे, तो वहीं पंजाब से भी नेताओं का समर्थन चंद्रशेखर को मंच पर मिलता हुआ दिखा। इतना ही नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी भी मंच पर नजर आए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मंच पर बैठे दिखाई दिए। वहीं चंद्रशेखर की यूपी में सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें तो तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विधायक भी मंच पर मौजूद दिखे। इस लिस्ट में सपा राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर सर्धना विधायक अतुल प्रधान तक मंच पर दिखाई दिए थे। सभी लोगों ने मौके पर एक साथ चंद्रशेखर को जेड प्लस सुरक्षा देने की बात कह डाली। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से, और लगातार जो भीड़ है वो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों से आई है। जो मुद्दा है वो चंद्रशेखर आजाद पर जो पिछले महीने हमला हुआ, जानलेवा हमला, उसको लेकर के है। जो पोस्टर्स हम आपको दिखा सकते हैं कि चंद्रशेखर की तस्वीरों के साथ लेकर लोग आए हुए हैं, जिस पर अनस्टॉपेबल लिखा हुआ है। कुछ जो पोस्टर्स हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मैं भी आजाद हूँ। तो इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर जंतर मंतर के इस प्रयोग प्रदर्शन में, साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद भी मंच पर पहुंच गए हैं और लगातार कई सारी पार्टियों से जो संबंधित लोग हैं वो आ रहे हैं अपना समर्थन देने के लिए उनके इस पूरे प्रदर्शन में, और उनके साथ जुड़ते हुए इसमें जो लोग मिलेंगे वो जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के मुखिया हैं, सांसद हैं, वो भी आएंगे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस, तमाम विपक्षी दलों के नेता भी यहाँ पर साथ में होंगे। तो ये पूरी जो कवायद है वो कवायद है एक तरीके से समर्थन जुटाने के लिए, और इसमें निश्चित तौर पर कामयाब दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफा है जब विपक्ष की बड़ी मीटिंग के बाद जो बेंगलुरु में हुई उसके बाद दिल्ली में कोई इस तरीके का प्रदर्शन आयोजित किया गया है जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।